जलान के कुड़ू थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिंक रोड का एक मामला सामने आया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिंक रोड पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। लिंक रोड पर गुजर रहे राहगीरों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और क्षेत्राधिकारी जालान रविंद्र गौतम मौके पर पहुंचे। थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास एक शव बरामद किया गया, क्या घटनाक्रम है, क्या कार्रवाई है? आज दिनांक 26/6/23 को थाना कुठौर अंतर्गत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ग्राम ततारपुर सर्विस रोड पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ। इस सूचना पे थाना कुठौर की पुलिस जाके मौके पर शव को कब्जा में लेके आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे पीएम हेतु रवाना किया गया। सर मैं भी मौके पर गया हुआ था, शव को देखा और प्रथम दृष्टिया उपरोक्त शव देखने से जो घटना मालूम हो रहा है एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु होना पाया जा रहा है। जी सर, अभी तक शव की शिनाख्त हो पाई है? इस संबंध में प्रयास किया गया मौके पे, बहुत गांव आसपास के लोग तथा राहगीर आए हुए थे, पर शव का शिनाख्त नहीं हो पाया, होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उठौन थाना क्षेत्र में बुंदेल क्या नाम मामला जनपद जालान के जालान कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सामने आया है, जहां पर एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त की ट्रक के अगले भाग के पर कच्चे उड़ गए और ड्राइवर उसी में बुरी तरीके से फंस गया। एम्बुलेंस सेवा द्वारा दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ड्राइवर ने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों ने क्लीनर को प्राथमिक उपचार दिया और गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर कर दिया गया। क्या नाम बताया तुम्हारा? दीपक। कहाँ के रहने वाले हो? एरवा कटरा। नंगलावा। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? हम सो रहे थे जी, गाड़ी चला रहा था लड़का जी, पीछे उसमें डाले में लगा गाड़ी। अच्छा, जब खड़ा हुआ तक था उसी में जा घुसे थे? हाँ, उसी में तक थे। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे? हम दो लोग थे। अच्छा, उसका क्या नाम है दूसरे का? मनोज। उसकी क्या कंडीशन है? वो अभी दवा निकल नहीं पा रहा। क्या नाम भैया आपका? प्रवास कुमार। अच्छा प्रवास, आप इस एम्बुलेंस सेवा में क्या हैं, किस पद पर हैं? एमटी हो। अच्छा, अभी आप एक एक्सीडेंट लेकर आए हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है बताएं जरा। अरे वहाँ पे एक्सीडेंट, ट्रक से भिड़ गए थे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम, क्या मामला हुआ भैया? धार जिले के कुछ अंतर्गत डही ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियाल में एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें महेंद्र बाबर नामक युवक जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थ है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत पड़ियाल में मोबिलाइजर के पद पर पदस्थ युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसके बाद परिवारजनों ने डही थाने पर जाकर उक्त युवक के खिलाफ आवेदन देकर प्रकरण दर्ज करवाया। बता दें कि आरोपी की एक फोटो शिवराज सिंह चौहान के साथ में भी वायरल हो रही है और सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार छेड़छाड़ का आरोपी बीजेपी का सदस्य। अब देखना यह होगा कि छेड़छाड़ के इस आरोपी पर कितनी जल्दी और कब कार्रवाई होती है। क्या मामला हुआ भैया बताएंगे? सब आपके द्वारा पुलिस थाना दही में एफ आई आर दर्ज की गई, किस घटना को लेकर की गई? ग्राम पंचायत बड़वानिया में छेड़छाड़ हुई है महेंद्र खबर के द्वारा, इसलिए दही पुलिस थाना में एफ आई आर दर्ज करवाई है। क्या पूरा मामला क्या है? सर विजिट के लिए आए थे महेंद्र खबर, सर विजिट के लिए आए थे और उन्होंने छेड़छाड़ की पंचायत में। अच्छा, हमें पूरा उनका क्या महेंद्र भाबर नर्सिंग, क्या पद पे है क्या? हाँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। अच्छा, काई में ब्लॉक, पूरे ब्लॉक के 43 पंचायत। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता, आ रहते हो बड़वानी, नाम है उसका मैं। अच्छा, तो वो कब से उन्हें रहता है, बड़वानिया ही देता है? नहीं नहीं सर, वो तो ऐसे चेक करने जाता है, इससे उनका स्टाफ का है, कोई अधिकारी नहीं। तो क्या बोलता बालिका को? बालिका को जबरदस्ती मतलब छेड़छाड़ करके सर, ऐसे ये जो भी बोल रहा वो मारने की, सब तो मार डालूंगा। अच्छा, ऐसा धमकी भी दी? धमकी दी, मार दूंगा, मार दूंगा, ऐसे धमकी दे। आप बड़वानिया रहते हैं ना? जी। ठीक, जो छेड़छाड़ की घटना हुई है सर, क्या है पूरा मामला? आज पीड़िता जो पड़ियाल निवासी है वो ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत है, उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है दिनांक 21/6/23 को। वो जब पंचायत में कार्य कर रही थी तब डही ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर महेंद्र भावर
पंचायत में आए थे और उनके साथ छेड़छाड़ की थी, जिस संबंध में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया। महिला उपनिरीक्षक कुक्षी से रावत मैडम आई थी, उनके द्वारा रिपोर्ट सुनी गई और FIR लेख की गई है, विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कौन सी धारा कौन सी लगी है इसमें? धारा 354 लगी हुई है, 354 क लगी है, 323 लगी हुई है और 506 लगी हुई है IPC की। क्या मामला हुआ भैया?